जय कांग्रेस। जनाब बाबा नाम अब्दुल हसन साहब की शालकोशी करेंगे। मैं नरेश साहब से दरखास्त करता हूँ कि अलमार साहब की शालकोशी की जाए। अलमार साहब की शालकोशी नरेश साहब करेंगे। जनाब सैयद शाहिद अली साहब सीनियर लीडर अब्दुल्ला हसन साहब की शालकोशी करेंगे। थोड़ा पीछे हो जाओ। जाटी साहब अब्दुल्ला हसन साहब और गंदी सिंह साहब की शालकोशी करेंगे। जफर अहमद कौशल अब्दुल्ला हसन साहब की शालकोशी करेंगे। आज हमें बेहद खुशी है और पूरी मसरत के साथ हम ये जनाब अब्दुल्ला साहब का यहाँ पर मौजूद हम जनाब हमारे विनय साहब मराठी चेयरमैन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट निर्मल डिस्ट्रिक्ट उनकी शालकोशी जनाब नूर खान साहब करेंगे। अजीज साहब अहमदुल्ला फूलों का गुलदस्ता पेश करेंगे। जनाब करीम साहब सादेखा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मराठी भी मुख्य देते हुए अहमदुल्ला हसनी साहब को जफर अहमद साहब काउंसलर वार्ड नंबर 35 अहमदुल्ला हसनी साहब की शालकोशी करते हुए जनाब करीम साहब जनाब सैयद शाहिद अली साहब स्टेज पर मौजूद है। अपने अपने विशिष्टों में बैठ जाए। बस कुछ ही वक्त में जनाब अहमदुल्ला हसनी साहब आप तमाम लोगों से मुखातिब हो जाएंगे। तशरीफ लाए हमारे मेहमान बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रामलाल नायक साहब का और हमारे हैदराबाद के आप अपना कीमती वक्त में से तशरीफ फरमा हमारे लिए तो एमएलए ही बोल सकते हैं। अभी जैसा बता रहे थे कि पिछले 20 साल में सबसे हाईएस्ट वोट दिए और हमारे वजीर आला रेवंत रेड्डी साहब खुद बोले हैं कि मेरे लिए यही एमएलए है तो हमारे लिए भी यही एमएलए है। डीसीसी बैंक चेयरमैन आदि बोध रेड्डी साहब डीसीसी बैंक के जो यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट के लॉन्गेस्ट चेयरमैन थे तामन्ना साहब सिटी कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट मेरे पुराने साथी नगेश साहब और इस प्रोग्राम को इंटरेस्ट से एक माइनॉरिटीज का दिली जज्बा रखने वाले मेरे छोटे भाई खालिद जानकी साहब सोशल मीडिया के स्टेट कोऑर्डिनेटर और यूथ कांग्रेस के लोकसभा के इंचार्ज अलमास साहब डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी इंचार्ज जुनेद साहब पीसीसी सेक्रेटरी ताहिर साजी साहब इसका तशरीफ फरमा सभी तमाम लोकल के सीनियर लीडर्स काउंसलर्स और बैच के सामने तशरीफ फरमा तमाम सीनियर लीडर्स बुजुर्गों दोस्तों और यहां पर मौजूद मेरे माँ बहनों तमाम लोगों को इस जलसे में आने के लिए बहुत बहुत आप तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा और मुझे इस जलसे के लिए मुझे आकर मंजूर किया। मुझे पता ही नहीं है कि हमारे भाई श्रीनिवास रेड्डी जी इतना अच्छा उर्दू और हिंदी में बात करते वरना मैं आता ही नहीं था यहाँ तो कहना रही है। मैं सोचा कि हिंदी तेलुगु में ज्यादा कम और इंग्लिश में ज़्यादा बात करते समझा मैं तो लेकिन अच्छी उर्दू है ये हम सबके लिए क्योंकि जिस तरीके से उर्दू का खात्मा हो रहा लेकिन आज भी ऐसे लोग नौजवान लोग हैं जो उर्दू और हिंदी में बात कर रहे हैं हमारे सबके लिए अच्छी बात है। तो साथियों बुजुर्गों दोस्तों मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। आप तमाम लोग जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं बस आपको चंद
इलेक्शंस के ताल्लुक से और आज के हालात के मौजूदा हालात के ताल्लुक से आपको कुछ आगाह करवाऊंगा और आपके आने वाले 3-4 दिनों में क्या जिम्मेदारी है उस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी मैं नज़र डालूंगा। बुजुर्गों, दोस्तों और माँ बहनों, ये इलेक्शन हिंदुस्तान की आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। इस बार 2024 का इलेक्शन 1880 के दशक में हिंदुस्तान आज़ादी की बुनियाद रखी गई थी। उस टाइम पर हमारे अकाबरीन ने, उलमाए किराम ने अपने कुर्बानियों से, अपने जानों की कुर्बानियों से, अपने माल की कुर्बानियों से इस मुल्क को आज़ादी के लिए बुनियाद रखी थी। उसके बाद 1947 में तमाम मुल्क के लोगों की ना जात ना पात, हर लोगों की मेहनत और कुर्बानियों की वजह से 1947 में इस मुल्क को आज़ादी हुई। उसके बाद 75-80 साल के बाद मुल्क आज़ाद हो गया। 75-80 साल के बाद आज फिर हमको हम तो आज़ादी 80 साल पहले हम आज़ादी मुल्क को दिलवाए हैं, लेकिन आज 2024 में अफसोस की बात है, आज़ादी को बचाने के लिए लड़ने की जरूरत पड़ रही है। आज 1947 में आज़ाद दिलाने के लिए लड़ाई लड़े थे और आज उन्हीं के जो वारिसें हैं, जो फिरका परस्त जहनियत के लोग जिस तरीके से इस मुल्क में अपने पांव फैला रहे हैं, उनको इस मुल्क से बचाने के लिए फिर वापस एक लड़ाई लड़ने की आज जरूरत है। उस दौर में हमारे आबा अजदाद, हमारे पुरखों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, लेकिन आज हम उस मुल्क आज़ादी को बचाने के लिए तो वक्त का बहुत अहम तकाजा है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से आज मुल्क में मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, जबान के नाम पर, खाने के नाम पर, रियासत के नाम पर, इलाके के नाम पर बांट कर यहाँ पर आज इख्तदार पे लोग बैठे हैं, इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। आप लोग सब लोग शायद समझ हैं, शुरू से मुत्तहिदा आदिलाबाद जिला बहुत सेंसिटिव रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो आरएसएस का जो गढ़ है आपके बिल्कुल बगल में है यहाँ पर, उसके असरात शुरू से यहाँ पर हम देखने को हमको मिले हैं। इसलिए ये आदिलाबाद शुरू से उनके लिए कहीं ना कहीं उनके लिए अपने आप को एक गढ़ के ऐसा लोग अपने आप को तसव्वुर करते हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। साथियों, आज फिरका परस्त ताकतें मुल्क में पिछले 10 साल से जो बर्बरियत किए हैं, जिस पिछले 10 साल से जो उनका काम रहा, आप एक बार उनको देखिए। यहाँ पर दस्तूर हमको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो दस्तूर हमको दिया है, दस्तूर में हमको खाने की आज़ादी, मजहबी आज़ादी, अपने शरीयत पर चलने की आज़ादी के होने के बावजूद भी हुकूमत से हमको परमिशन लेना पड़ता है, हुकूमत से हमको रुकावटें आते हैं, इस चीज़ को समझने की जरूरत है। तो आज हम यकीनन इस मुल्क के हक लेते हैं, हम बादशाह तो नहीं है लेकिन हम बादशाह का मौका पर रखते हैं, लेकिन हम अपने उस ओट की अहमियत को समझ, हम उसको खो चुके हैं, उसकी अहमियत को हम समझ नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को आज हमको समझने की ज़रूरत है। हम वोटर लिस्ट में अपने जो वोट होते हैं उसको देखते हैं, उसको खुश हो जाते हैं कि हमारे इतने हज़ार वोट हैं, हमारे इतने हज़ार वोट हैं, बस उसी में खुश होते हैं, लेकिन जब पोलिंग होती है तो 30%, 40%, 50%। इसलिए हम इस चीज के जिम्मेदार हैं कि हम अपने वोट की अहमियत को खो चुके हैं और बीजेपी यही चाह रही है कि मुसलमान इस मुल्क का अकलियत अपने वोट की अहमियत को खो चुके, क्योंकि अभी श्रीवास्तव साहब हमारे बीच में, एक सदस्य हमारे बीच में, उनके भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो ये चीज को समझने की जरूरत है कि बीजेपी अगर हमारे कुछ आलसी पने से, हमारे कुछ कोताहियों से जो पिछले दिसंबर में हमने यहाँ पर दिखाई है, आदिलाबाद के शहर में हमने दिखाई है, उसका खामियाना आज हम भुगत रहे हैं, आप सबके नजर है। इसलिए पूरे तेलंगाना में 8 अगर बीजेपी के एमएलए जीते हैं तो 4 बीजेपी के एमएलए आदिलाबाद पार्लियामेंट में है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझने की जरूरत है।
ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल इलेक्शन है। अगर इस इलेक्शन क्योंकि पिछला जो इलेक्शन था अब तक आजादी से लेकर आज तक जितने इलेक्शन है वो इलेक्शन किसी ना किसी को इख्तदार के गद्दी में बिठाने के लिए इलेक्शन हुआ था होगा या किसी ना किसी पार्टी को इख्तदार पे लाने के लिए इलेक्शन हुआ था, लेकिन ये इलेक्शन किसी को इख्तदार पे बिठाने के लिए, किसी को वजीर आजम बनाने के लिए नहीं, ये इलेक्शन इस मुल्क को बचाने के लिए इलेक्शन हमको करने की जरूरत है। अगर ये इलेक्शन में फिरका परस्त तंजीमें, फिरका परस्त ताकतें अगर वापस इख्तदार को आते हैं तो मुल्क में सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, मुल्क में गंगा जमुना तहजीब नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। भाई को भाई से लड़ाया जाएगा, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाएगा, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाया जाएगा, एक शहर को दूसरे शहर से लड़ाया जाएगा, एक रियासत को दूसरे रियासत से लड़ाई जाएगी, एक जबान से बात करने वाले को दूसरे जबान के बात करने वालों से लड़ाया जाएगा और अपने इख्तदार पे अपने रोटियां सेकेंगे। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है मुत्तहिद होने की जिम्मेदारी। अगर इस बार अगर हमसे कोताही होती है, इस बार हमसे गफलत होती है तो अगर वापस हो अगर इख्तदार में आते हैं तो ना तो अकेले में इस मुल्क के ना हमारे एसटी भाई सेफ रहेंगे ना एससी भाई सेफ रहेंगे, क्योंकि उनका यही मंशा है कि इस मुल्क में एससीओं को, इस मुल्क के ट्राइबल्स को, इस मुल्क में अकेलेओं को और से महरूम किया जाए, उनको इस मुल्क का दूसरा शहर दूसरे दर्जे का शहरी बनाए रखे, ये उनका मंशा है। इसलिए आज हमको जिम्मेदारी है न सिर्फ मुसलमानों के अकेलेओं के घरों में जाए, हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को हमारे साथ रखें, साथ रख के उनमें अवेयरनेस लेकर के उनको बताएं अगर वापस 2024 में हमसे गफलत होती है, हमसे कोताही होती है तो यकीनन इस मुल्क में फिरका परस्ती फिर वापस आएगी और इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आजादी कायम नहीं रहेगी, सिर्फ यहाँ पर तानाशाही आएगी, आपको आपके मजहबी आजादी आपके साथ छीन ली जाएगी, आपके शरीयत आजादी आपके साथ छीन ली जाएगी, आपको तो रोजगार में कहीं पर मौके नहीं रहेंगे, आपको समाज में आपको दूसरे दर्जे का शहरी के तौर पर देखा जाएगा, आप कहीं पर जाएंगे तो उनके परमिशन से जाना पड़ेगा, कहीं पर खाएंगे तो उनके परमिशन से खाना पड़ेगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजादी दिलाई, ये इलेक्शन उस बुजुर्गों की, उस हमारे आबाओ अजदाद की विरासत को बचाने का इलेक्शन है। ये लात मारना गधों का काम है, हुक्मरानी करना बादशाहों का काम है, तो आपको डिसाइड करना है कि बादशाहों को हुक्मरानी पे बिठाना है या जो लात मारने वालों को हुक्मरानी पे बिठाना है, तो आपको डिसाइड करना है। इसलिए मेरे खास तौर पर यहाँ पे मेरे माँ बहने बैठे हैं, आपसे अदबत गुजारिश है, क्योंकि आप लोग अवेयरनेस लेके आइए, आप लोग अपने बच्चों को, अपने घर में माँ बाप को, अपने शोहरों को, अपने बेटों को ये बात को समझाइए कि ये इलेक्शन तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। और एक भी बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये इलेक्शन में वोट डालना, इस बार के चुनाव में वोट डालना इबादत से कम नहीं है, क्योंकि ये वोट आने वाले दिनों में हमारे मसाजिदों को बचाने का जामिन है, अपने मदरसों को बचाने का जामिन है, अपने 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 दीन को बचाने का जामिन ये इलेक्शन होने वाला है। इसलिए ये वोट हमारे एक एक बहुत अहमियत है, अपने आपस ही कोई भी चीज आपस में भेदभाव हो, आपस में किसी का इख्तलाफ हो, कैंडिडेट आपको पसंद हो या पसंद ना हो, आपको कैंडिडेट कुछ दे रहा हो या ना दे रहा हो, हो, कुछ भी हो, 7 बजे हम लाइन में ठहरेंगे, कैंडिडेट को नहीं देखेंगे कौन कैंडिडेट है, सिर्फ इस बार मुल्क से सरकार परस्ती को बिठा हटाने हमारा मकसद है, सेक्युलर फोर्सेस को वापस इख्तदार पर लाने हमारा मकसद है, इसी को समझ के हम कैंडिडेट को नहीं देखेंगे। कैंडिडेट इज हमारा पार्टी का, सेक्युलर पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसका सिंबल ही हमारे लिए कैंडिडेट है, चाहे कोई भी हो हमारे पास आओ, मत आओ, मिलो मत मिलो, किसी को पैसा दो मत दो, ये इलेक्शन हमारे आने वाले नस्लों की बचाने का इलेक्शन है। इसलिए आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेरे दो परसों यहाँ से कॉन्टेक्ट किए, श्रीनिवास रेड्डी साहब, काड़े भोजन रेड्डी साहब, दामन्ना नागेश और बहुत से लोग, मेरे बड़े भाई वक्फ के चेयरमैन आपको पूरा बताया कल का इलेक्शन
ये कोई छोटा इलेक्शन नहीं है। ये देश के अंदर इतना बड़ा भयंकर इलेक्शन पहला टाइम होने जा रहा है। आज हम लोग संविधान को बचाना है, अंबेडकर जो लिखे तो संविधान को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। भाई संविधान नहीं बचाना है तो बीजेपी पार्टी को वोट दो। नाथराम घाट के बीच में जो गांधी जी को मारे गया, नाथराम घाट के बीच में अंबेडकर के फिलॉसफी से कर रहा तो इलेक्शन है। अब के बाद 400 पार, अब के बाद उनका 400 पार हो गए तो आपके ईदगाह नहीं रहते, आपके मस्जिदा नहीं रहते, इंडिया के अंदर मुसलमान का वोट कट हो जाता है। फिर बोलते हैं तुम सेकंड जनरेशन के लोग हैं, तुम्हारे को वोट हक नहीं मिलेगा, बोल के आपको पार्लियामेंट में बताते हैं। जिसके लिए मैं तुम्हारा भाई के वजह से मैं बात कर रहा हूँ। अब के बाद नरेंद्र मोदी सदन के बाहर बोलना है। 13 तारीख को आप उठो, फजर का नमाज पढ़ो, नमाज करके बोलो अब के बाद नरेंद्र मोदी सदन के बाहर। अब के बाद नहीं है 413 पार, अब के बाद कांग्रेस की सरकार। 13 तारीख को हम उसका चाय का केतली खींच लेंगे। 9 तारीख को हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसकी कुर्सी खींच लेंगे। ये कुर्सी खींचने के लिए, ये केतली खींचने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको बुलेट से पावरफुल बैलेट दिया, बैलेट दिया। आजादी को एक ही बैलेट, आजादी को एक ही वोट, वोट बेचते वाले की एक ही वोट, पंचर करते वाले की एक ही वोट, लारी ड्राइवर को भी एक ही वोट, गरीब रामलदाई को भी एक ही वोट। ये वोट से हम उठा सकते हैं, बिठा सकते हैं। 10 साल हम तेलंगाना के लिए लड़े हैं। तेलंगाना है तो हमारे बच्चों को 12% मिलता, सुबह में नारी, दोपहर में थारी, शाम में बिरयानी मिलती। नारी नहीं मिली, थारी नहीं मिली, बिरयानी नहीं मिली, दिल्ली तो मिली, केजीआर के खानदान को मिली। जिसके लिए मेरे बड़े भाई आपसे बोले कि 13 तारीख संविधान बचाना है, 13 तारीख मुल्क को बचाना है, 13 तारीख अंबेडकर लिखे तो संविधान को बचाना है, 13 तारीख सप्लीमेंट को बिजने बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को वोट देता है। भाई 70 साल में कांग्रेस पार्टी क्या किया? भाई बोला रे बेबूक, 70 साल में बहुत कुछ किया। नेहरू साहब के राष्ट्र में दूध मिला तो इंदिरा गांधी के राज्य में घी, नरेंद्र मोदी के राज्य में चाय मिली तो फूक फूक कर पी। इतना झूठा प्रधानी, इतना झूठा वजीर आजम, इतने झूठे एमपी, इतने झूठे एमएलए इधर भी नहीं देंगे 70 साल में। जिसके लिए इसको हम लोग नहीं भगाना है, जिसके लिए आपको एक वोट दिया है बाबा साहेब अम्बेडकर ने, संविधान बचाना है, सेक्युलर बचाना है, 12% रिजर्वेशन होना है, बीएचएल के वैसे फैक्ट्री आना है तो आप कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। जय हिंद, जय भीम, जय सवाना। आदिलाबाद की आवाम को आदाब, जय भीम, नमस्कार, सलाम अलैकुम। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना शॉर्ट नोटिस में आप ये मीटिंग को आप आए। जनाब अजमतुल्ला हुसैनी साहब और जनाब हाफिज पीर साहब, सबको जो
जो मंच पर बैठे हमारा डीसीसीबी सेंट्रल बैंक चेयरमैन अडी भोजा रेड्डी साहब और कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक चेयरमैन फॉर 13 इयर्स श्री मुड़पू दामोदर रेड्डी गारु, टाउन प्रेसिडेंट रगेश साहब, हमारा नूर खान साहब और सब हमारे भाई और बहनों को जो निर्मल से है अलमाज भाई सबको और ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजर अब्दुल खलील जांटी भाई सबको और काउंसलर रशीद भाई हमारा शाहिद भाई कलीम भाई शकील भाई और रफीक भाई शाकिर भाई इधर हमारा सब हमारा चाचा बहुत लोग बैठे इधर जाफर अहमद साहब हमारा काउंसलर साहब और सबको मेरा आदाब जय भीम नमस्कार सलाम अलैकुम। अब सबको मालूम है जो जो मोदी सरकार एससी एसटी माइनॉरिटी बीसी ये लोगों का रिजर्वेशन खत्म करेंगे बोल के जो बीजेपी और मोदी सरकार जो संविधान को बदलने के लिए 400 सीट पूछ है। आपको क्यों पूछ रहे मालूम है 400 सीट बोले तो 2/3 ऑफ मेजॉरिटी 66% ऑफ लोकसभा सीट्स सो 2/3 ऑफ मेजर दो तिहाई मेजॉरिटी से संविधान को बदलने की साजिश एक षड्यंत्र A conspiracy has been formulated. We all to save our Indian democracy with great values. We need to protect our democracy. और प्रजातंत्र का रक्षा के लिए और संविधान का रक्षा के लिए हम सब लोग जो गंगा जमुना तहजीब एक हजारों सालों से हम जी रहे हैं जिंदगी मिलजुल के हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सिख जो हम मिलजुल के गंगा जमुना तहजीब बोलते इसको उसको डिस्टर्ब करने के लिए एक साजिश एक षड्यंत्र रच रही है कॉन्स्पिरेसी बीइंग फॉर्मुलेटेड टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। तो आप सब लोगों से मेरा गुजारिश है पोलिंग वोट से आपका ताकत बनते मैं भी तन्वी श्रीनिवास रेड्डी या असदुल्ला साहब हमारा नाम से ताकत नहीं बनते हम जो अंबेडकर साहब बोल रहे हैं मुझे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उसको हम बोल रहे हैं बोध इंचू टीच समीकरण गैदर पौराण फाइट जो जंग करने का तरीका जो लड़ाई करने का तरीका डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमको सिखाया उसको हम फॉलो करना है। इसलिए आपका वोट से आप आपका ताकत दिखाइए बड़े बड़े डिक्टेटर्स को उखाड़ के फेंक दिए हिटलर जैसा डिक्टेटर्स को जो प्रजातंत्र में डिक्टेटर्स को नियंत्रित को देयर इज नो प्लेस दिस इज डेमोक्रेसी। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन मैं आप सबसे मेरा गुजारिश है प्रजातंत्र के रक्षा के लिए आपका वोट से ताकत एक मौका लेंगे। कुछ लोग हमारे कैडर को अभी दो लीडर है दो लीडर एक प्रेस मीट लगाया कल वो दो लीडर बिक गए टीआरएस को लौटाने साहब के पास पैसा लिया वो दो लीडर जो प्रेस मीट कर रहे हैं उसको कोई नहीं पूछ रहे भाई कार्यकर्ता अंदर छी दो लीडर बोला अभी वो दो लोग बीजेपी से पैसा लिया अभी हमारा कैडर को कंफ्यूज करके बीजेपी को जिताना उसका मकसद है। पिछले इलेक्शन में बीआरएस से पैसा लिया अभी ये इलेक्शन में दो लीडर बीजेपी से पैसा लिया मैं बोले ना भाई कांग्रेस पार्टी को एक सीट वो खराब कर दिया
तो इसलिए मैं बोल रहा हूं वो षड्यंत्र जो बीजेपी रच रही है, जो मोदी सरकार, आप जागरूक रहिए ना, आपके हाथ का निशान आएगा। वो कटहरे से क्या होगा, दिल्ली तक सुझाए देगा वो बी बोल के, वो कटहरे से दिल्ली तक सुझाए देगा। सब लोग तैयार है? जय कांग्रेस, जय इंडिया, जोर से बोला जय इंडिया, जय कांग्रेस, जय भीम, जय कांग्रेस, जय गुर्द के, जय गुर्द के। इस ऑफिस में तीन जो हमें आज मीटिंग किया गया है 13 तारीख को, अपन सब कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना पड़के एक कार्यक्रम में आए सो कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदे श्रीनिवास रेड्डी जी और महासी डीसीपी अध्यक्ष दामोदर रेड्डी जी, नागेश जी और राशिद भाई एक कार्यक्रम आए सो कांग्रेस पार्टी के काउंसलर्स, लीडर्स और हमारे बहन जी को सबको पत्रकारों को मेरे को सबको मेरा नमस्कार। आज अपन सोचना चाहिए, कम से कम एक 20 साल हो रहा है या एमपी का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी नहीं जीता है अपना पार्लियामेंट में। आज अपना राहुल गांधी साहब जी को वहां प्रधानमंत्री बनाना, यहां पर अपना अतरम सुख नक्का को सपोर्ट करके पार्लियामेंट के मेंबर बनाना बोल के अपन सब जने कोशिश कर रहे, और 13 तारीख को इलेक्शन है। ये इलेक्शन में हर एक अपना कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और हमारे माइनॉरिटी भैया और सब जने अपन सपोर्ट करके आजादी आके 75 साल में कोई पार्टी ने एक महिला बहन जी को नहीं दिए, आज एक महिला बहन जी को दिए, अपन उनको सपोर्ट करके किसी हाल में ये अदलाबाद कांस्टिट्यूएंसी में अपन 25 से 30 हजार लीड लाना बोल के आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। आज अपना मुख्यमंत्री जी रेवंत रेड्डी 5 महीने में जो 6 गारंटी अपन किए थे, वो 6 गारंटी में एक हमारा महिला बहनों को 2500 छोड़ के आरटीसी फ्री महिला बहनों को, और गैस 1200 जो बीजेपी का सरकार 1200 बनाए तो सिर्फ 500 में अपन आज गैस दे रहे, और 200 यूनिट तक करंट फ्री दे रहे, और राज्यश्री आरोग्य सेवा को 10 लाख तक अपन हर गरीब को इंसान को 10 लाख तक फ्री हॉस्पिटल खर्च बढ़ गया, पहले 5 लाख था। तो और एक स्कीम आने का है 2000 हर गरीब बहन जी को घर पे, एक बहन जी को हर फैमिली में 2000 रुपए महीने को देना पड़ के अब साहब वो भी 1-2 महीने में क्लियर कर देते, और एक इस संविधान को भी बताना चाह रहे ये बीजेपी अगर 400 सीट आए तो इस संविधान को बचाने का अपन सब ये कार्यक्रम लेना बोल के एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी लोगों का पूरा रिजर्वेशन निकालने के चक्कर में है ये मोदी जी। मोदी जी को हटाना, अपना भारत देश को बचाना बोल के मैं बोलते हुए उत्सुक कर रहा हूँ। जय कांग्रेस। कांग्रेस के मेरे भाइयों को सबको नमस्कार। आज जो टॉपिक अपने को सेव डेमोक्रेसी के टॉपिक पे जो बात करने में है, आपको सभी लोगों को मालूम है आज इंडिपेंडेंस आने के लिए कांग्रेस पार्टी गांधी की जमाने से सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख सब भाइयों सब लोग लड़के आज इंडिपेंडेंस अपने को हासिल करके कांग्रेस पार्टी के वो आज 50-60-70 साल तक रूलिंग आने के बाद किस तरीके से अपने सभी एससी एसटी माइनॉरिटी भाई सब लोगों को जो
हाउसिंग भी और दो सभी स्कीम्स को एक एक को मिले वैसा सब स्कीम्स को सक्सेसफुल करते हुए कार्यक्रम ये सो है जैसा जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ गरीबों को पूरों को अच्छा पोजीशन लाना बोल के अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आए।